Hello dear students, welcome back to the GDC Live. So in the series of the Topos Talk, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बहुत ही brilliant student स्नेहा दास गुप्ता. स्नेहा दास गुप्ता have got all over India rank 49. और उन्होंने इस rank को achieve कैसे किया, कैसे उन्होंने अपनी preparation plan किया, कब से उन्होंने अपनी इस preparations को start किया कि इतनी अच्छी rank वो obtained कर पाई. चलिए आज हम रूबरू होते हैं स्नेहा से, उन्होंने उनके पूरे प्लान आउट को हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और आपके द्वारा दिए गए जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने जो क्वेश्चंस हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके फेवर में उनसे मैं पूछने की कोशिश करते हैं और उनसे हम आंसर मिलते हैं. स्नेहा वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव प्लेटफॉर्म एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर गुड रिजल्ट व्हिच यू हैव गॉट. स्नेहा स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, आपके पॉइंट एक एक करके चलते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कब से आपने जीपैट की प्रिपरेशन अपने प्लान किया और कहां से आपको ये मोटिवेशन आपको मिला कि आपको जीपैट की तैयारी करनी है. सर एक्चुअली इस साल तो लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो कॉलेजेस चल तो नहीं रहे थे, सो मेरा नियरली जब जीपैट का रिजल्ट डेट डिक्लेयर हुआ कि एग्जाम होगा उसके नियरली 6 मंथ्स पहले से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन. तो उसके लिए भी 6 मंथ लगे थे. मैं भी दूसरों से सजेशन लेती थी जो सीनियर्स हैं कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो उन्हीं से मुझे सब डायरेक्शन मिला था. ओके मींस आप लगभग हम बात करें तो आपने फिफ्थ सेमेस्टर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और खास तौर पर आपने एक बहुत अच्छा टाइम यूटिलाइजेशन किया अपने इस कोविड लॉकडाउन फेज को कि जहां पे आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया और आप अपने सीनियर से जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिले आपने अपनी प्रिपरेशन को वहां से स्टार्टअप किया. ओके तो अब चलिए ठीक है, आपने ये तो प्लान कर लिया कि मुझे जीपैट एग्जाम देना है और जीपैट क्वालिफाई करना है. अब बात आती है प्रिपरेशन का कि आपने ये प्रिपरेशन प्लान कैसे किया, आपने कौन से बुक्स को फॉलो किया, कौन से नोट्स को आपने अप्लाई किया और कैसे आप प्लान आउट करते थे अपने प्रिपरेशन को. ये सर बुक्स का जैसे कोलाजी अगर हो तो स्पर्ज गुप्ता मैंने लिया था, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स स्पर्ज गुप्ता में मिसिंग, तो उसके लिए जब मैं सपोज कोई चैप्टर है एएनएस तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं स्पर्श को ऑफ द बैकबोन और मैं साइड में वो केडी त्रिपाठी से देखती थी कि क्या क्या पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो वो जनरली मैं स्पर्श गुप्ता में नोट कर देती थी अगर छोटे पॉइंट्स है तो, नहीं तो केडी ही मार्क कर देती थी. तो आई यूज टू स्टडी बोथ, दोनों कंबाइन करके मैं प्रोग्रेसिव करती थी. और जो जी डी सी के ऑनलाइन एग्जाम्स थे फिर पढ़ाई के बाद मैं वो टॉपिक वाइज एग्जाम देता ये स्पेसिफिकली फार्माकोलॉजी. अगर सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं लाइक मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स या फार्माकोग्नोसी, थोड़ा सा इनके बारे में आपका कैसा प्लान ऑफ वर्क था. सर फार्माकोग्नोसी जैसे वो मेरा पूरा डिटेल में पढ़ाई हुआ था. मैंने पहले तो सिर्फ फोकस किया था जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब जैसे टाइम्स वेरिएंस ये सब होते प्रॉपर्टीज एंड फिर वो ड्रग्स का जो है उनका डिटेल में मैंने पढ़ा था. और मेडिसिनल केमिस्ट्री का जैसे उसका पढ़ाई का रोल मैंने किया था कि पहले आई यूज्ड टू लर्न ऑल द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर्स है सब याद कर लिया, फिर उसके बाद ऐसे आप पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाता है. और डेली बेसिस में तो मेडिकल केमिस्ट्री थोड़ा रिवाइज करना ही पड़ता था, लेकिन एग्जाम के पहले जो टाइम थोड़ा कम हो गया था तो तब मेडिकल उतना रिवाइज नहीं हो पाया, तो पहले पढ़ा था इसलिए थोड़ा बहुत याद. ओके काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि सर मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर कैसे याद करें, कैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को मेमोराइज करें, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर देख के डर लग जाता है, आईयूपीएसी नेम याद करना. क्या आपने कभी इसके बारे में ज्यादा प्लान आउट किया कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है. सर आईयूपीएसी नेम का तो वो डर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मतलब मेरा क्या था कि जो हेट्रोसाइकल्स होते हैं एक कंपाउंड में जो हेट्रोसाइकल्स होते हैं उनका मतलब ओरिजिनल जो आईपैक नोमेनक्लेचर का जो रोल होता है वो सब मेरा पूरा क्लियर था. तो जब मेडकेम का कोई जैसे उसे करने के जैसे कोई स्ट्रक्चर होता था तो उसमें मुझे पता था कि कौन सा हेट्रोसाइकल है और उसका नंबरिंग कैसे होगा. तो मतलब मैं सोच रही थी कि ऑप्शन में जो देंगे ही और मैं नंबर और नेम मुझे पता है तो उसका पैकेट आयुपैक लास्ट मूवमेंट में. ओके
चलिए, बहुत बढ़िया पॉइंट कि हाँ हम एक न्यूक्लियस के बेसिस पे चले, थोड़ा सा एक आइडिया लेते चले, बाद में जो भी रिंग होंगी फिर उसके बेसिस पे हम आगे आंसर पे ऑप्शन के बेसिस पे चलेंगे। अच्छा, नंबरिंग नंबरिंग आपने कौन से देखा, नंबर पे क्या है? मतलब एक सिंपली बोले कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन सार को भी आपने एक थोड़ा सा पॉइंट आउट जरूर करते चले, हाँ ठीक है। अच्छा, बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक डरावना सब्जेक्ट बच्चों के लिए होता है। डरावना मींस कि हाँ, नेम्ड रिएक्शंस इतनी सारी हैं, कैसे उसको हम याद करें, कैसे उसको हम तैयार करें, क्या सारी नेम्ड रिएक्शंस, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो मोर देन 40 नेम्ड रिएक्शंस आती हैं, क्या सभी पढ़ना जरूरी है, उस पर आपने कैसे कमांड हासिल किया? सर, मतलब कौन सा आएगा वो तो बोलना मुश्किल है, तो मैंने बहुत पहले से ही वो नोट्स बना के रखा था नेम रिएक्शन का। जीबी से ही मैं पीडीएफ में था, वहाँ नियरली 75 जैसे थे क्या बोलते हैं नेम रिएक्शन, तो एक साथ मैं रख के याद करना है डिफिकल्ट, तो मेरा था कि डेली या फिर वीक में 20 नेम रिएक्शन करो, और फिर जब नेक्स्ट नया कुछ स्टार्ट करेंगे तो पिछला वाला भी रिविजन करना जरूरी है, तो उसी से थोड़ा बहुत तो ईजी हुआ था। अभी भी थोड़ा भूल जाती हूँ, लेकिन ऑप्शन देखें तो समझ आता है क्या आया, जैसे जॉर्डन कंडेंसेशन बहुत कॉमनली आया जी, एग्जाम में भी आया। जी जी जी, अच्छा ओके, प्रिपरेशन करना और एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करना, होता है कि चलिए हमने कभी 2-4 दिन की तैयारी कर ली है, ठीक है, लेकिन अब ये इस प्रिपरेशन तो हमारा पूरा ईयर वाइज हमने प्रिपरेशन किया, मोर देन 1.5 ईयर इसमें पूरा प्रिपरेशन प्लान कम से कम होता है आपने जो किया, कभी ऐसा इसमें फील हुआ कि बहुत ज्यादा निगेटिव फील हुआ कि हम थोड़ा सा मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, मुझे डर लग रहा है क्या मेरा होगा, रिजल्ट कैसा रहेगा, कभी ऐसा फील आता रहा होगा, कभी डर ऐसा फील हुआ आपको? हाँ सर, ये तो मेरा तो मतलब बहुत ही रेगुलर चलता था, 3-4 दिन अच्छे से पढ़ाई किया, फिर फिफ्थ डे को याद हुआ कि भूल गया है, तो वो दिन ही मेरा गैप चला जाता, तो लेकिन वही करना तो पड़ेगा, तो प्रिपेयर मेंटली प्रिपेयर तो अपने आप को करना पड़ेगा, तो 1-2 दिन मेरे से अगर गैप चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दिमाग ब्लॉक हो जाता है जी। वो मेरा अच्छा, तो, होता था। अब इसी पे पॉइंट आता है कि मोटिवेशन लेवल मेंटेन करके रखना, उसमें मोटिवेशन आपको करने के लिए आपके फ्रेंड, फैमिली, टीचर्स, कोई भी हो सकता है जो आपको मोटिवेशन लेवल मेंटेन करके रखे, आप अपने इस प्रिपरेशंस के लिए किसको क्रेडिट देना चाहेंगे कि आपकी प्रिपरेशंस में हेल्प किया जिन्होंने? मेरे एक सीनियर हैं, तापोस नाम है उनका, तो उन्होंने भी जीडी से पहले ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने रजिस्टर किया था, सो लास्ट 2-3 months से उन्हीं का गाइडेंस किया था, मैंने वही हमको डायरेक्ट करते हैं कैसे क्या करना चाहिए, दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, और हाँ, और बुक्स पढ़ना सही है, मतलब बुक्स मतलब जो थोड़े से कैरेक्टर बिल्डिंग टाइप्स रहते हैं उस टाइप के, मतलब एक्स्ट्रा बुक्स। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा ओके, स्नेहा पॉइंट आता है, ठीक है हमने तैयारी कर लिया, बुक्स पढ़ लिया, नोट्स हम बनाते चले गए, टेस्ट देने की बारी आती है, ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, तो आप कौन सा टेस्ट सॉल्व करते थे, कैसे आप उन चीजों को फुलफिल करते थे, और वहां पे आपका क्या एक प्रिपरेशन प्लान चलता था? सर, मेरा तो मेन फोकस तो मैंने लक्ष्य जीपैट परचेज किया था। ओके, मतलब आप जीडीसी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड? यस सर। जी जी जी, मैंने वो परचेज किया था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं सारे टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाई, तो टॉपिक वाइज में मैंने स्टार्ट किया था, जो सारे टॉपिक वाइज हैं, तो पहले पहले मैंने नोटिस किया कि बहुत गलतियाँ होती थी, बहुत सारी गलतियाँ, तो आई मेड अ सेपरेट कॉपी, उसमें जो जो गलतियाँ होती थी और वहाँ पे तो नीचे एक्सप्लेनेशन भी रहता था, तो सब मैंने कॉपी में नोट कर लिया, और नियरली 20-25 टेस्ट का मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा था, तो एंडिंग की तरफ 300-400 क्वेश्चन तो हो ही गए थे, तो वो भी मैं डेली बेसिस में करती थी, तो जैसे सब्जेक्ट्स हैं बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, फिर वैक्सीन का एक था, वैक्सीन से रहा, ये सब मुझे पता था कि एग्जाम के पहले पढ़ाई होगा नहीं, तो वहीं से मैंने पढ़ा था, एंड बहुत सारा एरिया मेरा कवर हो गया था उस एग्जाम के वजह से, और एक्सप्लेनेशन मैंने जो लिख रखे थे,
ओके चलिए बहुत बढ़िया। और हाँ ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको मिला कि हाँ आप टेस्ट सीरीज देते थे जीडीसी की लक्ष्य जीपैट टेस्ट सीरीज में आप एनरोल्ड थे, वहां पे आपको सबसे अच्छा पॉइंट कि सारे क्वेश्चंस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया गलत हुआ आपने उसका एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन के साथ नोट कर लिया, बाद में रिविजन के लिए आपको वह हेल्प किया। चलिए बहुत अच्छा पॉइंट। अच्छा टेस्ट अब आप एज अ अगर ओपिनियन देना चाहें या अपने नेक्स्ट जूनियर्स को जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं उनको आप टेस्ट का इम्पोर्टेंस अगर बोलना चाहें तो आपकी नजर में कितना इम्पोर्टेंट है टेस्ट देना? सर मेरे लिए तो वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब टेस्ट में होता तो मैं इस टाइप की पढ़ाई भी मेरा बहुत ज्यादा होता है तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अभी जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर देंगे तो उनके पास ये भी शायद 6 to 7 मंथ का टाइम होगा, तो वो वीकली बेसिस पे दो एग्जाम्स तो दे ही सकते हैं, ज्यादा देंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो इस एग्जाम का मेन था मतलब कोई भी एग्जाम अगर वो दे तो उनको एनालाइज करने को मिलेगा कि कितना अटेंड करेंगे तो उनका कितना गलती होगा एंड उसके हिसाब से वो सोच सकते हैं कि मुझे ये मार्क्स लाने के लिए इतना तो अटेंड करना ही पड़ेगा, कितना सही से यही है तो एक्यूरेसी पता चलता है कितना गलत। मतलब टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे हम अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि हमारी कितनी गलतियां हो रही हैं, कहां गलतियां हो रही हैं, उनको हम बाद में सुधार सकते हैं। चलिए बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। अच्छा स्नेहा जी अब नेक्स्ट आते हैं कि हमारा जो फार्मास्यूटिक्स, जैसे कुछ बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर फार्मास्यूटिक्स इतना वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें इतने सारे सब्जेक्ट है, इतना लेंदी सब्जेक्ट है, और कैसे कौन से उसमें से किसको हम इम्पोर्टेंट समझें, किससे तैयारी करें, तो आपको भी कभी इस चीज पे सोचने के लिए आपने कैसे प्लान आउट किया कि मैं लाइक इंडस्ट्रियल फार्मेसी पर तैयार करूं, फिजिकल फार्मेसी करूं, या फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस करूं, या पोसोलॉजी, मतलब तमाम प्रकार के उसमें हैं, तो उस पे आपने कैसे प्लान आउट किया था? सर प्लान आउट जैसे स्टार्टिंग में जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी है तो उसमें लैटिन वर्ड्स के कैलकुलेशन ये तो मैंने पहले ही कर ली, वो करना सही है क्योंकि वो इजी भी है और चांसेस है कि एग्जाम में आएगा, जो एलिगेशन के साम होते हैं, फिर वो मेट्रिक यूनिट्स जो होते हैं, फिर लैटिन टर्म्स के लिए नहीं, और इसके बाद जो आते हैं टैबलेट्स और कैप्स, ये मैंने उतना डिटेल में पढ़ा नहीं था लेकिन बहुत बार इस पर डिस्कशन हुआ है ना कॉलेज में और सब जगह, तो बेसिक्स पता थे और मैंने ये पियर्स से नहीं भी पढ़ा था कैप्सूल्स और टैबलेट, और फिर जो सेमी सॉलिड्स आते थे जैसे ऑइंटमेंट्स ये सब, ये जीडीसी का ही वो जो एक पीडीएफ देगा था, मुझे अभी नाम याद नहीं है लेकिन उसमें जो दिया हुआ था सेमी सॉलिड्स का पूरा, मैंने वही कॉपी में नोट्स बना के पढ़ा और कौन सा फिजिकल फार्मेसी पे बात करें अगर तो फिजिकल फार्मेसी का मैंने माइक्रोमेरेटिक्स इस पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, माइक्रोमेरेटिक्स सरफेस प्रॉपर्टीज ये सब बुक से ही पढ़ा था मैंने, ओके। और बायोफॉर्म बायोफार्मास्यूटिक्स की अगर बात करते हैं तो इसके लिए आपने कौन सी बुक प्रेफर की और उसमें कौन से चैप्टर्स को आपने ज्यादा इम्पोर्टेंट किए? सर इसका तो वो बुक मुझे याद नहीं आ रहा, छोटा सा एक बुक है ब्रह्मांकर, इस वही होगा सर ब्रह्मांकर जी, उसमें मैंने मेन इम्पोर्टेंस मैंने एब्जॉर्प्शन को दिया, मतलब वो चैप्टर मैंने देखा वो पढ़ने के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, इकोलॉजी के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, बिल्कुल बायो इक्विवेलेंस का जो एक चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर को मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था और एक्सटेंशन। चलिए ये तो हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, अब बात करते हैं फार्माकोग्नोसी, इसको हम कैसे मिस कर सकते हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा याद करना होता है ना, ये नेम है, सोर्स है, ये फैमिली है, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, तमाम कंफ्यूजन, ये केमिकल टेस्ट है, बहुत सारी कंफ्यूजन उसमें होते रहते हैं, इसका उसमें मिक्स हो जाता है, आपके साथ भी हुआ, उसको कैसे आपने प्लान आउट किया? सर मेरा तो मेन था रिवीजन मेरा बहुत होता था, लास्ट की तरफ दिन में शायद मेरा आधा दिन रिवीजन में निकल जाता था और नया बहुत कम ही मैं पढ़ता था, तो स्टार्टिंग में तो कॉग्नोसी थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा जैसे क्लासिफिकेशन फैमिली ये सब तो तब याद रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे ज्यादा पढ़ेंगे हम एक एक ड्रग के बारे में
ओके, टाइम मैनेजमेंट नेहा जी आपके प्रिपरेशन में ये एक सिंपल चीज, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम मैनेजमेंट प्लान क्या था? अगर लॉकडाउन पीरियड चल रहा था उस समय काफी क्लासेस ऑफलाइन तो हो नहीं रही थी, कॉलेज की भी ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही थी, वहां की भी क्लासेस करनी है आपको, अपना इसके लिए भी प्रिपरेशन करना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे किए? एक अगर अच्छे प्रिपरेशन प्लान की हम बात करें, अगर सजेशन दें कि हाँ किसी स्टूडेंट्स को, तो आपका क्या टाइम प्लान था और आप कैसे सजेशन देना चाहेंगे? सर, मेरा भी दिन में मैक्सिमम मेरा 10 घंटा यूज किया है, 10 घंटा पढ़ाई का, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो मैं कहूँ कि जिस दिन का पढ़ाई है उसी दिन अगर डिसाइड करने बैठेंगे तो नहीं होगा, मतलब मैंने एक दिन पढ़ा फिर नेक्स्ट दिन जो पढ़ूंगी वो रात को ही डिसाइड करूंगा। कहीं लिख के रखे थे कि ये रिविजन करना है और ये नया पढ़, तो सुबह को उठ के वो मतलब तो मेंटली प्रिपेयर रहती थी कि हाँ आज ये कम्प्लीट करना है। तो जनरली रिविजन में रात को ही रखते थे, तब तो एनर्जी इतना रहता नहीं है, और जो नया पढ़ा है वो सुबह को, नहीं क्योंकि इसमें ये भी होता है कि इतना पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, तो आधे बच्चे तो यही सर टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा है, कैसे करें क्या ना करें। तो मतलब सिंपल आपके सजेशन पे अगर चले तो हमें टाइम मैनेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें एक टारगेट बनाना है, इतना मुझे पढ़ना है, इतना करना है, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए। और एक बार था, ये मुझे सीनियर से ही पता चला था कि टाइमर सेट करके पढ़ना, मतलब उन्होंने 1 आवर का टाइमर रखा था कि फोन पे टाइमर सेट करना फिर पढ़ने बैठना, तो मैं 1/2 आवर का, तो उसमें और ज्यादा सॉलिड हो जाता है, मतलब एक ही सेकंड वेस्ट नहीं होता है, पूरा पढ़ाई होता है। ओके, स्नेहा जी एक छोटा सा और क्वेश्चन रहता है जो बहुत ज्यादा आज के डेट पे स्टूडेंट्स को परेशान करता है, और वो है वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म। कभी हमारा फेसबुक है, चलाने लगे तो उस पर टाइम निकल गया, व्हाट्सएप है चैट करने लग गए, या यूट्यूब चला, मतलब कुछ भी है जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है, क्या कभी आपकी प्रिपरेशन में इनसे डिस्ट्रैक्शन हुआ? कैसे आप इनसे दूर रहते थे, अपने आप को कैसे रखे, कैसे प्लान करते थे? हाँ सर, डिस्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन मैं हूँ नहीं उतनी ज्यादा पे इंस्टाग्राम पे, तो लास्ट 2 मंथ में मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था एक्चुअली। और व्हाट्सएप तो रहेगा ही क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलेज के भी इंफॉर्मेशन आते, तो सर कंट्रोल करने की बात है, मतलब 2 ही तो मंथ है, पढ़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा जी कि यही टाइम है, इस पे प्रिपरेशन कर लेते हैं, बाकी चीजों के लिए तो बाकी टाइम मिल ही जाना है आगे चल के। चलिए बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन प्रिपरेशन के लिए रखना बहुत जरूरी। चलिए ओके, एक अगर आप अपने जूनियर्स को ये सजेशन देना चाहें जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, एनी टाइम है, व्हाट इज द बेस्ट स्टार्टिंग टाइम फॉर द प्रिपरेशन? मतलब मेरा 6 मंथ पहले से सॉलिड पढ़ाई होती थी, जो भी पढ़ेंगे वो जिपेक्ट होती है, और सेकेंड ईयर से आई थिंक कहीं अगर कोचिंग मिलना चाहिए तो ज्वाइन कर सकते, और उस टाइम से ही उनको सीरियसली थोड़ा पढ़ेंगे तो इतना सारा सब्जेक्ट है ना, तो तब थोड़ा प्रेशर कम होगा। सेकेंड ईयर मतलब फोर्थ सेमेस्टर, फोर सेमेस्टर से हम प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दें तो एक बेस्ट टाइम होता है कि हम सब कुछ कवर कर सकते हैं। हाँ मतलब थोड़ा दम नहीं घुटेगा, आराम से हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है स्नेहा जी, व्हाट इज द रोल ऑफ जीडीसी इन योर रिजल्ट? जीडीसी ने कैसे आपको हेल्प किया, किस तरीके से आपको बेनिफिट हुआ? सर मैंने जीडीसी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे जो डेली बेसिस पे जीके नहीं उनसे मेरा बहुत हेल्प होता था, वो तो स्टार्टिंग की तरफ, और जो मैंने मेंशन किया एक बहुत ही बड़ा पीडीएफ था, उस पीडीएफ में तो ऑलमोस्ट सारे नेम रिएक्शंस थे, वहीं पे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी है, फिर स्टार्टिंग में सेमी सॉलिड्स एंड ऑल द क्या बोलते टेबल भी बहुत सारे हैं जहाँ पे जीके सॉर्ट ऑफ कुछ मीनिंग है जैसे कार्टून्स इन सबके बारे में, तो ये पीडीएफ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। एंड 3 तरह के एग्जाम्स मैंने दिए थे ऑलमोस्ट, लक्ष्य जीटेक था, फिर वीकली एग्जाम्स होते थे लास्ट की तरफ, और डेली एग्जाम्स भी होते थे, मैंने ये सब दिए थे। एंड यूट्यूब पे भी मैं जीडीसी का माइक्रोबायोलॉजी वीडियो ये सब फॉलो करती हूं, सर हेल्प तो बहुत हुआ। चलिए मतलब
अलग अलग प्लेटफॉर्म देखे, वहां पे पेड भी है नॉन पेड भी है, जैसे आप वीकली टेस्ट की बात करें, डेली टेस्ट की बात करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे स्टूडेंट्स के लिए है, कंटेंट सारी चीजें प्रोवाइड ही की जाती है, बिल्कुल, तो आपको उससे बेनिफिट जरूर होना चाहिए। ओके, अब स्नेहा जी हम लास्ट में आते हैं, अगर हम लास्ट 2 मंथ्स की प्रिपरेशन प्लान की बात करें, अराउंड जब हमारा नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है कि हाँ अब फॉर्म आ गया है, फिल करना है, प्रिपरेशन करना है, फॉर्म आते ही एक घबराहट, एंजाइटी, अभी ये पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये छूट रहा है, कुछ ऐसा हुआ, तो आपने वो लास्ट 2 मंथ्स की प्रिपरेशन प्लान कैसे सेटअप किया? सर फिर वही, मतलब जो कहा कि पहले पिछले वाले दिन ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि नेक्स्ट दिन क्या करना पड़ेगा, तो तब टाइम तो बहुत कम है, तो चैप्टर भी मेरा और ज्यादा बढ़ गया, रिविजन का और ज्यादा बढ़ गया, और एवरी डे थोड़ा सी तो रखना ही पड़ेगा, और फार्मेसी ये थोड़ा भी हो तो फिर भी एवरी डे रखना पड़ेगा। एंड उस टाइम पे, मतलब अभी तो 2 मंथ्स है, उस टाइम पे आई थिंक मेडिटेशन पढ़ना स्टार्ट करना सही होगा, मतलब अगर कोई पढ़े भी तो चांसेस ऑफ फॉरगेटिंग वो बहुत कम याद रहेगा एकदम, नहीं तो अगर आप 6 मंथ पहले मेडिटेशन पढ़ेंगे तो अभी वो उतना याद नहीं करना, तो आई थिंक मेडिटेशन अगर कोई डिफिकल्ट हो किसी के लिए तो वो इस टाइम से पढ़ना स्टार्ट। चलिए, मतलब एक प्रिपरेशन प्लान उस समय, ये आपने जो बोला बहुत बढ़िया कि हाँ चीजें जो टफ लग रही हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें लेकिन रिवीजन लगातार करते रहें, वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, अच्छा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते ही स्किप कर जाते हैं कि सॉल्व करना है, आपको ये न्यूमेरिकल्स चाहे वो फिजिकल फार्मेसी करा हो, चाहे वो हमारे पोसोलॉजी में रहा हो या बायोफॉर्म करा हो, आप क्वेश्चन से भागते थे या न्यूमेरिकल सॉल्व किए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या किया आपने इसके लिए? सर मेरा तो मैक्सिमम पढ़ा यूट्यूब से ही होता था, तो यूट्यूब में ही मैं सारे न्यूमेरिकल्स देखती थी, वहीं से सारा वैरायटी मिल जाता था, मतलब मैं उतना डिफिकल्ट, मैंने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स कभी किया नहीं, जैसे फॉर्मूला मैं बेसिकली याद रखती थी, बायो फार्म का जो फॉर्मूला है उसका एक लिस्ट बनाना जरूरी, तो शायद उसमें से उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बायो इक्विवेलेंस का जो चैप्टर है वहाँ पे वो प्लाज्मा वॉल्यूम सब के बेसिस पे ही नॉर्मल क्वेश्चन ही मैंने देखे हैं आज तक, तो वो फॉर्मूला एकदम याद रखना जरूरी है, उसके बेसिस पे जो इजी क्वेश्चन वही करे तो सही है, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक आते। चलिए, मतलब जो क्वेश्चन इजी हैं जो कर सकते हैं और बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं उनको जी। अच्छा स्नेहा जी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करें, ये कंफ्यूजन बना रहता है कितने इयर्स के सॉल्व करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, तमाम प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों के होते हैं जब हम लाइव क्लासेस में होते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए? तो मैंने वो इनाम घर का बुक खरीदा था, तो मेरा भी यही थॉट था, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था हर एक ईयर से, थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो मैं सोच रही थी कि आएगा नहीं शायद, तो मैंने अपने प्रेजेंट स्टडी पे ही ज्यादा फोकस किया था, लेकिन एग्जाम में आया था, तीन क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, 5% का क्वेश्चन आया था वो प्रीवियस ईयर था, तो मैं कहूँगी कि इम्पोर्टेंट तो क्या करना, मतलब मेरा लग अच्छा था कि वो तीन मुझे पता थे, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं भी हो सकते हैं, तो आई थिंक 5 to 6 ईयर्स का करना एकदम जरूरी है, प्रीवियस ईयर से आ ही सकता है, वो जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ऑप्शन एक्सप्लेनेशन अगर पड़े तो ज़्यादा कवर नहीं हो सकता। ओके, मींस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें और एक्सप्लेनेशंस उसके समझना, क्योंकि अराउंड द क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट ना भी आए तो। चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट। अच्छा स्नेहा जी, अब अगर मैं आपसे एडवाइस कहूँ कि आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगी, आप जैसी रैंक लाने के लिए जो टॉप 100 में आना चाहते हैं कि हाँ हमें ये रैंक मिले, तो आप उनको क्या बेस्ट एडवाइस देना चाहेंगी एक पूरे प्लान के रूप में? पहले तो मैं कहूंगी कि ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा, तो पहले हमारा फोकस जो मेन सब्जेक्ट है उन पे रखना चाहिए, जैसे फार्माकोलॉजी, फिर फार्मास्यूटिक्स, ये सब फार्माकोलॉजी, और अगर मैं एक सब्जेक्ट के अंदर घुसूँ, मतलब इन सब्जेक्ट में आपको पहले देखना पड़ेगा क्या क्या चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं, पहले जो पढ़ना चाहते हैं वो कंप्लीट कर ले तो ज्यादा इजी होगा, और फिर जैसे स्पर्श गुप्ता के बुक में लास्ट की तरफ जो इम्यूनोथेरेपी है वो उतना लोग डिस्कस करते नहीं है, लेकिन ये सब चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं कहूँगी जैसे इम्यूनोथेरेपी का चैप्टर है वहाँ पे मैंने डेली बेसिस पे जैसे एक पैरा पढ़ा था,
मैं हर दिन एक पैरा प्रकृति और पिछला वाला रिवाइज हो जाता था, तो मुझे पता भी नहीं चला एक वीक में चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं फॉर द चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे एंटी कैंसर के ड्रग्स, एंटी कैंसर के ड्रग्स जो हो वो आप एक दिन में शायद एक क्लास करें और नेक्स्ट दिन में दूसरा क्लास और पिछला वाला क्लास डिफिकल्ट, तो बहुत जल्दी आपका पढ़ाई भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक चैप्टर एक सब्जेक्ट को कर सकते हैं। और जो बायो केमिस्ट्री है वो सब्जेक्ट उतना भी मेजर नहीं है, लेकिन मुझे वो पसंद था और वो उस टाइप के सब्जेक्ट्स लैंड लाने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल दे मिस इन दोस एरिया, सो अगर आपको लैंड उठाना है तो आपको ये जगह अटेंड करना पड़ेगा। मतलब जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री जो लोग जनरली मेंटेन करते हैं उस पर आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स कि हाँ मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को समझना जरूरी है, मेजर क्वालिफाइंग के लिए और माइनर हमारे रैंक बूस्टर के लिए जरूर हेल्प करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स नहीं स्नेहा जी, आपने वाकई बहुत अच्छे सजेशंस दिए। डेफिनेटली आपके इस वीडियो के बाद जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इनके गाइडेंस को फॉलो करें और अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि हाँ आप ये रैंक इससे जरूर ऑब्टेंड कर सकते हैं, अंडर 100 आप जरूर आ सकते हैं। स्नेहा जी थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम जो आपने हमें दिया और अपने स्टूडेंट्स जूनियर्स को मोटिवेट करने के लिए आपने सारी चीज़ें की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फ्रॉम द होल टीम ऑफ GDC वी विश अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड एंड कीप गोइंग, कीप शाइनिंग इन योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच स्नेहा।